फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास जेनी 102 मशीन है, एक एलसीडी उसके अंदर रखी है, दूसरी इधर रखी है। मेरे पास मोल्ड नहीं है, नहीं तो ये कम से कम एक वन टाइम में ये 3 एलसीडी एक साथ पंच कर देती है। ये छोटी सी मशीन है मगर कमाल का काम करती है। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 3 एलसीडी एक साथ इसमें रखी हुई है, इजीली ये इनको पंच कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, न्यू गैजेट नगरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास आज जेनी 102 मशीन है। ये मशीन काफी नामी मशीन है, काफी भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे सर जेनी 102 पे एक वीडियो बनाए, जेनी 102 पर एक वीडियो बनाकर दिखाएं। तो आज इसीलिए मैंने मार्केट से ये एक जेनी 102 मशीन ली है। और ये क्या क्या सपोर्ट करती है, कितनी इंची एलसीडी सपोर्ट करती है और इसके साथ क्या क्या आपको मिलता है, जैसे बबल रिमूवर हो गया या वैक्यूम पंप हो गया या टैंकी कितने लीटर की मिलती है, आज मैं पूरी डिटेल से आपको वही बताऊंगा। और फ्रेंड जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन है वो भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है प्लीज़। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास जेनी 102 मशीन है, इसके ऊपर मेरे पास आज ये कुछ एलसीडी भी हैं। मैं एलसीडी ऑन करके मैं आपको इसके अंदर पंचिंग करके दिखाऊंगा। पंचिंग करने के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मेरे पास ये है और मैं इस रबड़ पे इस पंचिंग करने वाला हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ अगर बात करें तो ये इसके साथ एक इस टाइप की हमें रबड़ मिलती है और ये रबड़ देख रहे हैं आप ये इसके अंदर काफ़ी छोटी है। अगर आप चाहते हैं आप यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ा टैप जो होता है हमारा उस टैप को भी आप इसके अंदर लैमिनेट कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ जो हमें बबल रिमूवर मिलेगा वो आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको बबल रिमूवर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ ये बबल रिमूवर हमें मिलता है। समीर जी ये टैप की टच है, आप देखो कितनी बड़ी होती है, ये भी इजली चली जाती है, ये भी इजली चली जाती है, ये 7 इंच से देख सकते हो आप कितना बड़ा फीचर है आपके पास, ये भी है इजीली चली जाती है, इजीली चली जाती है, बहुत इजीली से काम हो जाएगा बड़े का इस पावर में। देखो कॉम्पैक्ट साइज है, ऐसे लंबाई में है जी जी जी, कॉम्पैक्ट साइज है ठीक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बबल मूवर है, बहुत बढ़िया हैवी एकदम जोरदार। फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि जेनी जो है हमारी मशीन ये एज बनाती है नहीं, ये जो हमारी मोल्ड है ये विथ फ्रेम वाला मोल्ड है, ये एज का मोल्ड है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस पे देखा कौन सा मोल्ड है, ये S9 का मोल्ड है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये S9 प्लस का मोल्ड है और ये जो मोल्ड होगा इससे जेनी कैसे बनाएगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे रख देना है आपने ऐसे या ऐसे और मशीन के अंदर ईजिली करने के बाद और ईजिली इसको ऑटोमेटिक पंप कर देंगे। ये देखिए वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसमें वैक्यूम मीटर अपने आप डाउन जा रहा है और ये कुछ सेकंड में पंचिंग कर देगी। फ्रेंड्स मैं आप जो आपको इसमें एक आईफोन की एलसीडी टेस्ट कराने वाला हूँ कि आईफोन की एलसीडी कैसे बनती है। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये पंचिंग हो रही है, इजीली हो चुकी है। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप मेरे पास एक आईफोन की एलसीडी है, मैं आज इसी को इस मशीन के अंदर ट्रायल के लिए बनाने वाला हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये देख रहे हैं आप इसके अंदर मुझे ये रखनी है और रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगा और क्लीन जो करूँगा मैं, आप देख रहे हैं मेरे पास ये मैकेनिक 530 है, मैं पहले फैलकॉन यूज़ करता था मगर उसके अंदर डुप्लीकेसी आ जाती है उसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया।
फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ग्लास क्लीन कर लिया है और ग्लास क्लीन करने के बाद मेरे पास विद OCA वाला ग्लास है। इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मेरे पास विद OCA वाला ग्लास है वो लेना है हमें और इसके ऊपर इजीली इसको रख देना है। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इजीली इसके ऊपर रख दिया है और इजीली रखने के बाद मुझे हल्का सा सिर्फ डॉट करना है इसमें। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हमारी रबड़ है, इस रबड़ पे हम इजीली इसको रखेंगे और रखने के बाद जो मेरी रबड़ थी S9 वाली वो मैंने निकाली और ये इस पे हम इजीली इसको रख देंगे। फ्रेंड्स अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ वन क्लिक से इसको प्रेस करना है और वन क्लिक से प्रेस करने के बाद हमारी LCD बन जाएगी। चलिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं पंचिंग के लिए लैमिनेटर नीचे आ चुका है और इसके अंदर जो रॉड लगी होती है नीचे लैमिनेटर के अंदर, जो इसके अंदर जो जिसको सिलेंडर बोलते हैं वो जो सिलेंडर लगा है इसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 सिलेंडर लगे हुए हैं जो कि हर किसी मशीन में नहीं होता। अब मेरे पास YMJB है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ उसके अंदर भी एक सिलेंडर होता है, इसके अंदर 2 सिलेंडर होते हैं और ये 55,000 रुपये की मशीन आती है और 1 साल वारंटी मिलती है। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इससे पंचिंग करी है और पंचिंग करने के साथ साथ देख रहे हैं इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक हल्के फुल्के से इसके अंदर बबल होंगे और मैं इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको, इसीलिए मैं वीडियो कट नहीं कर रहा। काफ़ी भाइयों को डाउट होता है कि LCD चेंज हो गई है। फ्रेंड जैसे कि आज मैं आपको LCD इसमें बनाकर दिखाई है, ये रही आप देख सकते हैं परफेक्ट LCD बनी है एकदम, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ LCD एकदम परफेक्ट बनी है, कोई बबल नहीं इसमें, कुछ नहीं। फ्रेंड इसी तरह आप इस मशीन में कोई भी LCD बना सकते हैं। LCD बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मशीन भी काफ़ी अच्छी है और मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। बबल रिमूवर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके साथ ये वाला बबल रिमूवर मिलता है और बबल रिमूवर मिलने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बबल रिमूवर मिलने के साथ साथ इसके साथ एक वेल्ले का वैक्यूम पंप मिलता है जो कि मार्केट में अगर आप मशीन परचेज करने जा रहे हैं तो आप उसको ज़रूर ध्यान दें कि वो वेल्ले का वैक्यूम पंप नहीं होगा। और साथ में 1 ईयर इसकी वारंटी मिलती है और 55,000 रुपये की ये मशीन मिलती है। जिस भाई को भी अगर ये परचेज करनी हो या कुछ करना हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और पूरी इंक्वायरी आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आता रहूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।